अब देख सकते हैं दोस्तों हमारा अलार्म बोल रहा है। हम आपको ये भी बता देता हूँ कि अलार्म बंद कैसे करेंगे। दोस्तों हमें कमेंट आई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कमेंट कि हमारा अलार्म नहीं बज रहा है, अलार्म हम सेट कर लेते हैं लेकिन अलार्म शो नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, अलार्म काम नहीं कर रहा है, बज नहीं रहा है। तो दोस्तों अब हम इस वाली वीडियो में आपको इसको लॉक में अलार्म सेट करना सिखाएंगे और बजाना सिखाएंगे, एम पी एम करके सेट करना सिखाएंगे करेक्ट अलार्म। तो दोस्तों आप पूरा देखिए वीडियो को। तो दोस्तों आप इस बटन को दबा दीजिए एक बार, आप देख सकते हैं अलार्म पर पहुंच गए आप। अब हम इस वाले बटन को एक बार दबाएंगे, इस वाले को। अब आप देख सकते हैं हमारे घंटे बिलिंग करने लगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा ए एम पी एम नहीं आ रहा है, जब नहीं आएगा तो आप सोच लेना ये ए एम है। तो अब हमें दोस्तों पी एम पे सेट करना है, तो हम इससे आगे बढ़ाएंगे, इससे पीछे करेंगे, तो हमें आगे बढ़ाना है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा पी एम आ गया। और आप इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर पी एम पे सेट करना है आप किसी भी टाइम पे, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 8 पे सेट करना है यहाँ पे, 9 पे सेट करना है यहाँ पे। अगर आपको ए एम पे सेट करना है तो आप यहाँ से शुरू हो जाइए, कितने पे आपको सेट करना है। यहाँ पर ए एम नहीं है तो समझ लीजिए आप ए एम है। आप देख सकते हैं हमें पी एम पे सेट करना है, तो हम इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे, हमें पी एम पे सेट करना है। तो दोस्तों 11 बज गए पी एम। तो दोस्तों अब हमें इस वाले बटन को एक बार दबा देना है, इससे हमारे ये मिनट बिलिंग करने लगेंगे। तो दोस्तों हमने टाइम देखा नहीं था कितने बज गए। दोस्तों हम ये 10 मिनट का लगा देते हैं अलार्म, तो हम आगे बढ़ाते हैं, इस वाले बटन से आगे बढ़ाएंगे हम। आगे बढ़ा दिया दोस्तों हमने। अब दोस्तों हम इसको इस वाले बटन को एक बार दबा देंगे, इस वाले को आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हम एक बार और दबा देंगे। अगर दोस्तों हमें घंटी चेंज करनी है इसकी, हमें रिंग चेंज करनी है, तो हम रिंग चेंज कर सकते हैं अपने क्लॉक की। आप देख सकते हैं ये रिंग चेंज हो रही है। हम फिर से दबाएंगे, आपको नज़दीक से सुनाते हैं। आपको ये वाला बटन दबाना है आगे बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं, पीछे करना था, अब ये दबा दीजिए ऐसे, लेकिन हमें ये वाला दबाना है। ये अच्छी रिंग टोन लग रही है हमें, ज़्यादा तेज बोल रही है ये। तो दोस्तों अब हम इस वाले बटन को दबा देंगे, और इस वाले बटन को दबाने के बाद में दोस्तों हमें ये वाला बटन दबाना है। अब आप देख सकते हैं हमें ये वाला बटन दबाना है, यहाँ पर देख सकते हैं घंटा भी नहीं है, जेड जेड भी नहीं है, तो हमें ये वाला बटन दबाना है। अब आप देख सकते हैं हमारी घंटी आ गई, अभी हमारे ऊपर जेड जेड भी आ गई। दोस्तों अब हमारा अलार्म जरूर बजेगा। अब हम इसको सब कुछ हो गया, तो हम एक बार इस बटन को दबा देंगे। अब दोस्तों हमारा अलार्म जरूर बजेगा, लेकिन हमने अलार्म तो कुछ मिनट कम का लगाया था। अब हम एक बार जल्दी से इसका मिनट बढ़ा देते हैं, 12 कर देते हैं, क्योंकि हमने 10 का लगाया था, मिनट को हम 12 कर देंगे। दोस्तों 12 तो हो गए, हम दोस्तों 13 कर देंगे मिनट को, हमने देखा नहीं था टाइम, 13 कर दिए। अब दोस्तों हमारा अलार्म बोलने वाला है, जब 11:13 हो जाएंगे तो हमारा अलार्म बोलने लगेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा अलार्म बोल रहा है। दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको इसको टाइम सेट करना है तो हम नेक्स्ट वीडियो टाइम सेट की लेकर आ रहे हैं, टाइम डेट मंथ सबको सेट करके दिखाएंगे। और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अलार्म 1 मिनट तक बोलेगा, जब 14 मिनट हो जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलार्म दोस्तों बंद हो गया।
अगर दोस्तों अब हमें अलार्म को बंद करना है, हम आपको ये भी बता देता हूँ कि अलार्म बंद कैसे करेंगे। अब दोस्तों हम एक बार इस वाले बटन को दबाएंगे, इस वाले बटन को, हमारा अलार्म आ गया। अब हम दोस्तों एक बार इस वाले बटन को दबा देंगे, अब आप देख सकते हैं हमारा ये अलार्म यहाँ से हट गया। हमारे यहाँ पर ये आना जरूर चाहिए जब भी हमारा अलार्म बजेगा। हमारा अलार्म चालू करने के लिए इसको दबा देंगे, घंटी हमारी आ गई, आप देख सकते हैं। दोस्तों पीएम पे चाहिए तो पीएम यहाँ पे लेके आना पड़ेगा आपको, एएम पे चाहिए तो एएम भी, तभी आपका अलार्म बजेगा।